सारा मदरसों पर कार्रवाई की जा सकती है। यू डायस पोर्टल पर मदरसों का कोई डेटा दर्ज नहीं है। मदरसा संचालकों का डेटा अपलोड करने से इनकार। अल्पसंख्यक विभाग ने सभी मदरसों को नोटिफाई कर दिया, यानी कि नोटिस भेज दिया है। विभाग ने 31 जुलाई तक डेटा अपलोड करने को कहा। अगर डेटा अपलोड नहीं होता है तो फिर उसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। मदरसों के अंदर पढ़ने वाले छात्रों के डेटा को सरकार से क्यों छिपाया जा रहा, सवाल बड़ा है। जाहिर सी बात है, डेटा अपलोड नहीं करने वाले मदरसों में बच्चे फर्जी तरीके से पढ़ सकेंगे और इन्हें सिर्फ कागजों पर रन करवाया जा रहा है। माना जा रहा है कि 31 जुलाई के बाद यूपी सरकार इन मदरसों की मान्यताओं को भी रद्द कर सकती है। सभी मदरसों का यूडाइस पोर्टल पर फीडिंग को बहुत बल दिया जा रहा है, तो जिन मदरसों ने जनपद में यूडाइस फीडिंग नहीं कराई है, यूडाइस फीडिंग स्टार्ट ही नहीं की है। कई जनपदों ने, लगभग 18 मदरसों ने अभी यूडाइस फीडिंग नहीं स्टार्ट की है। उन मदरसों को नोटिस दिया गया है कि वे 3 दिन के अंदर यूडाइस फीडिंग करा लें, अन्यथा की दशा में उनकी मान्यता निरस्त कर दी जाएगी और उनके संचालकों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। और अगली खबर राजस्थान की।